हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देश में कोरोना के दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद से जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया है और इसकी वजह बताया कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी नया शिगुफा छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग की है कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर जनता का विश्वास जीतने के लिए रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहला टीका खुद लिया था, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोरोना का पहला टीका लेना चाहिए ताकि जनता के बीच इसको लेकर विश्वास बढ़े। अजीत शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए यह आरोप लगाया है कि देश में आई कोरोना वैक्सीन का श्रेय बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है। अजीत शर्मा ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जिन दो कंपनियों ने कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिया है, दरअसल यह दोनों कंपनियां कांग्रेस के जमाने में ही स्थापित हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने के बाद से बीजेपी हर तरफ थाली पिटवा रही है और खुशी मना रही है, लेकिन कांग्रेस को भी श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के ही कार्यकाल में ये दोनों कंपनियां स्थापित हुई थी।